नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ल्ड में। और आज हम बनाएंगे बिना मावा के बर्फी गाजर की, जो कि इसको बनाना है बहुत ही आसान। यहाँ हम एक थोड़ी सी सूजी यहाँ डालेंगे और उससे ही हमारी बर्फी बिल्कुल मार्केट जैसी बनके तैयार हो जाएंगी, ना हमने यहाँ किसी कलर का प्रयोग करना है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कप के करीब सूजी। अगर हम इसको ग्राम्स में मापेंगे तो ये लगभग 100 ग्राम के करीब हमने यहाँ सूजी ली है। यहाँ हमने सूजी को हल्के से हल्का ब्राउन होने तक हमने इसको भूनना है। यहाँ हम सूजी का सिर्फ हल्का सा ही कलर चेंज करेंगे, तब तक हम अपनी सूजी को लगातार चलाते हुए अच्छे से यहाँ भून लेंगे। अब जो ये हमारी सूजी है इसको हमने अच्छे से भून लिया है और इसका हल्का सा यहाँ कलर चेंज हो गया है। यहाँ हमने हल्के से कलर चेंज होने तक ही सूजी को भूनना था। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को यहाँ कर देते हैं बंद और सूजी को हम एक प्लेट के अंदर निकाल कर रख लेते हैं। यहाँ मैंने फिर उसी पैन को ले लिया और इसके अंदर मैंने यहाँ डाला है 2 टेबल स्पून देसी घी। अब हमने यहाँ अपने घी को अच्छे से मेल्ट करना है। अब जो ये हमारा घी है ये अच्छे से यहाँ मेल्ट हो चुका है। यहाँ मैंने 1 किलो गाजर ली थी और उसको मैंने अच्छे से धो के और छील कर गाजर को यहाँ ग्रेट कर लिया है। अब हम जो ये हमारी ग्रेटेड गाजर है इसको हम अपने घी के अंदर डाल देंगे। अब जो गाजर हमने घी के अंदर डाली है इसको हमने अच्छे से यहाँ घी के अंदर भूनना है और गाजर का जो रस है उसको हमने बिल्कुल सुखाना है। यानी जो हमारी गाजर है ये घी में भूनकर थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और जो इसका रस है वो भी सूख जाएगा। तो इसको हमने कंटिन्यू चलाते रहना है। यहाँ जो हमारी गाजर है इसको हमने घी के अंदर अच्छे से भून लिया है और गाजर का जो सारा मॉइस्चर है उसको हमने अच्छे से सुखा दिया है। अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर डालेंगे 1 कप दूध। यहाँ मैंने बिल्कुल कच्चा दूध लिया है, उसको हम अपने गाजर के अंदर मिला देंगे और दूध मिला के हम इसको ढक कर अपने गाजर को अच्छे से यहाँ हमने पकाना है। अगर गाजर हमारी कच्ची रह जाएंगी तो जो हम बर्फी बनाएंगे उसका टेस्ट इतने अच्छा नहीं आएगा। अब हमने अगर हम ग्राम में यहाँ बात करें दूध की तो यहाँ मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब ही दूध लिया है और अब हम इसको इस तरह से ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए अपनी गाजर को पका लेंगे। अब जो ये हमारी गाजर है जो कि हमने दूध में पकने के लिए रख दी थी, लगभग 8 मिनट मैंने यहाँ इनको पकाया है और जो गाजर है हमारी अच्छे से यहाँ पककर तैयार हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ डालूँगी लगभग 200 ग्राम के करीब चीनी। आप मीठा अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो गाजर है ये भी हमारी काफ़ी मीठी है और जो चीनी है और इससे भी जो हमारा मिठास है वो काफ़ी बढ़ेगा ही। तो जब आप इसके अंदर चीनी डालें तो आप अपने टेस्ट के अनुसार ही यहाँ डालें। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप सूजी जिसको हमने अच्छे से भूनकर रखा था। यहाँ सूजी हमने इसी स्टेज पे डालनी है जब हम इसके अंदर यहाँ चीनी डालें। अब हमने चीनी को सूजी को अच्छे से मैश करना है इस तरीके से, क्योंकि जो सूजी है उससे भी जो रस निकलेगा पानी उसमें जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल कर यहाँ तैयार हो जाएगी। हमने अपनी अब सूजी को, गाजर को और जो हमने इसके अंदर चीनी डाली है उसको हम ढककर यहाँ 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अब जो ये हमारी सूजी है ये भी अच्छे से यहाँ पक चुकी है, क्योंकि इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट यहाँ हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ डालूँगी थोड़ा सा मावा जैसा टेक्सचर लाने के लिए 4 चम्मच मिल्क पाउडर। यहाँ मिल्क पाउडर हमने ज़्यादा नहीं डालना, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है
तो आप यहाँ जो मावा है उसको भी थोड़ा सा मावा हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ लगभग 4 चम्मच ही मैंने मिल्क पाउडर डाला है। आप मिल्क पाउडर कौन सी भी कंपनी का यहाँ यूज कर सकते हैं। अब मिल्क पाउडर डाल के फिर हमने इसको अच्छे से मिलाना है, क्योंकि फिर ये अच्छे से जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पहुँच जाएगा और जो हमारी बर्फ़ी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी। इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है मिल्क पाउडर को। यहाँ हमने पकाना है इसको 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू। यहाँ हमने इसको चलाते रहना है। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो जो ये हमारी बर्फ़ी का बैटर है ये सारा अपने जो पैन है उसके अंदर लग जाएगा। इसको मैं कंटिन्यू चलाते हुए पका लेती हूँ। अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। जो इलायची का पाउडर है इससे जो हमारी बर्फ़ी बनके तैयार होएगी उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। यहाँ लगभग मैंने 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। इसको भी 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देखिए जो ये हमारी बर्फ़ी है, जो ये हमारा बैटर है, इसने अब कढ़ाई का छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। यह मैंने एक प्लेट ले ली और उसके अंदर लगा दिया है थोड़ा सा घी। अब जो हमारा बैटर है इसको मैं थाली के अंदर निकाल दूंगी। अब हम ये चम्मच की मदद से अपने इस सारे बैटर को इस तरह से फैला देंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं। यहाँ मैंने हल्का कोकोनट का बुरादा ले लिया और इसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, यहाँ मैंने बादाम और जो हमारे काजू है उसको मैंने दरदरा सा पीस लिया था मिक्सी के अंदर। आप चाहे तो बारीक काट के भी इसको यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इनको काटा नहीं, सिर्फ मिक्सी के अंदर ही दरदरा सा पीस कर तैयार कर लिया है। इससे भी मैं अपनी, आप चाहे तो यहाँ पिस्ता का भी यूज कर सकते हैं, पिस्ते की कतरन से भी इसकी अच्छी सी गार्निश हो सकती है, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पिस्ता नहीं था तो इसलिए मैंने पिस्ता यहाँ नहीं लगाया है। हम इसको 1 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। अब जो ये हमारी बर्फ़ी है ये बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है और आप देखिए ये बिल्कुल सही हो गई है। अब हम इसको एक चाकू की मदद से कट कर लेंगे। अब यहाँ मैंने अपनी बर्फ़ी के सारे चारों तरफ से कट लगा के तैयार कर ली है। अब हम इसको एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। है ना बहुत ही अच्छी ये जो हमारी रेसिपी है और मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं इसको बनाने में तो आप उन्हें मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं उन्हें आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो अब हम अपनी इन बर्फ़ी को अलग अलग से पीसीज में एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। इस तरह से मैं अपनी सभी बर्फ़ी को यहाँ कट करके रख लूँगी। यहाँ मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बिल्कुल मावा के जैसे देखिए ये हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है, क्योंकि इसमें हमें मिल्क पाउडर डाला है, दूध भी डाला है, तो इसके अंदर मावा का टेस्ट भी है, सूजी का भी है, और जहाँ हमने कोकोनट का बुरादा इसके ऊपर डाला है उसका टेस्ट भी आपको यहाँ आएगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। But it's too late now, I remember you and me.